यार मांगा तो कुछ और था लेकिन मिल कुछ और रहा है। यूनिवर्स ही क्या कर रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स, प्रकृति, नेचर, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, एक ऐसी शक्ति है जिसके पास सारा खजाना है, सब कुछ है। उस खजाने में आप हाथ डालेंगे खाली हाथ नहीं वापस आएंगे, कुछ ना कुछ तो बाहर आना ही है। कितना मैजिकल लगता है ना सुनकर कि ये यूनिवर्स जो भी इससे मांगोगे मिल जाता है। जी हाँ, जो भी मांगो मिल जाता है। फिर अब फिर के बाद है क्वेश्चन मार्क, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी आशी और ढेर सारा स्वागत करती हूँ आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे इंटेंशंस का सीधा लेना देना हमारे थॉट्स के साथ होता है, ठीक है। इन केस हमारे थॉट्स प्योर नहीं हैं और हम मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स हमको समझेगा और वैसे ही गाइड करेगा और वैसे ही रिवर्ट बैक भी करेगा। जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा थॉट्स है और जिस तरीके का हमारा कॉन्फिडेंस है मांगने में, अगर आप सही हो और सही तरीके से सही चीज मांग रहे हो तो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी ही होगी। अदरवाइज पुट अ बिग क्रॉस ऑन योर डार्क साइड फर्स्ट ऑन दोज डिजायर्स ऑन योर दोज थॉट्स। क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये बात जिसने भी कही है बहुत सही कही है। दोस्तों, अरे मांगा तो सोना था लेकिन मिल गया सोना। अरे भाई, सोते सोते मांगोगे तो सोने वाला सोना तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ये बात तय है कि यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, जिसकी एक सिलेक्शन कमेटी है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करती है अपने और साथ ही साथ उनके गोल्स को अचीव करने में। और जो मांगना चाह रहे हैं, जो भी मन वचन कर्म से वो सच्चे हैं, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स को चाहिए कि आपको देखे कि आप रिसीविंग मोड में हैं। आप जैसे रिसीविंग मोड में आते हैं, आप जान पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो क्या करना है ये तो यूनिवर्स आपको बताता ही है, साथ ही साथ आपको भी यह आभास होना चाहिए कि आज जो आप हैं वो आपकी मैनिफेस्टेड लाइफ रही है। ये लाइफ, ये जीवन, ये चीज़ें आपने खुद मैनिफेस्ट की हैं, इसलिए आज जो हो रहा है वो आपने मैनिफेस्ट किया है। सो यू नेवर नो कि प्योर फीलिंग्स, इंटेंशंस और एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर आप यूनिवर्स से मांगते हैं ना, प्योर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको देता ही देता है। वही प्लेट सर्व होगी जो आपने ऑर्डर की है। इट्स ऑल अबाउट योर प्योर कर्मा, इंटेंशंस एंड योर कॉन्फिडेंस। कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितनी एनर्जी के साथ आप अपनी बात यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्योर एनर्जी का और प्योर इंटेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दीजिए आप यूनिवर्स से प्योरली। ये आप और हम नहीं, सदियों से कई सारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत ये फॉलो करते आ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि नेगेटिव कर्मा को प्योरीफाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। खुद को प्योरीफाई करते जाओ और खुद को ब्रह्मांड से कनेक्ट करो। पूछो ब्रह्मांड से कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए और कैसे चाहिए। आंसर्स आपको खुद ब खुद ब्रह्मांड देगा। ये काम आप करते जाओ और कम्युनिकेशंस को भी बहुत, अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो अदरवाइज चीजें तो बहुत सारी होती हैं, बट आप विश्वास को इतना हद का रखो कि चीजें आपके हिसाब से होने लगें। रिसीविंग मोड में आना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप रिसीव करना स्टार्ट करोगे, हर वो चीज आपको मिलेगी जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई सेंस विद माई क्लाइंट्स कि इज दैट दे डोंट बिलीव कि वो उस चीज को डिजर्व करते हैं, बट फिर भी मांग रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंफ्यूजन और ये जो डाउट है ना, जो खुद पर है, इसको आपको खत्म करना है, क्लियर करना है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच ही रखना है, तभी आपको चीजें मिलेंगी। आप प्रॉपर तरीके से सही टेक्निक का इस्तेमाल करके रियल चीजें मांग के रियलिस्टिक गोल्स को मांगिए। आप देखिए, यूनिवर्स आपको एक बार में मांगने पर भर भर के आपको देगा। मैंने खुद आजमाया है। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताई, जो रेमेडीज दी, वो मान लीजिए वो रेमेडीज उनको एक महीने की, 15 दिन की है या 7 दिन की है, बट वो तुरंत मैनिफेस्ट हुई। कुछ लोगों की
15 दिन की मैनिफेस्टेशंस जो थी वो उनका एक दिन के अंदर हो गया, 24 घंटे में भी हो गया। ये मिरेकल कैसे हुआ? ये मिरेकल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी एंड बिलीफ सिस्टम ये संभव हो पाया। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, डू द राइट थिंग्स, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड थिंग्स विल कम टू यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, और एनर्जी हाई रखिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, यूनिवर्स में अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम सबको खुशियां बांटते रहें। और इसलिए आप वीडियो को पसंद करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो इसी तरह अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझ पर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओम साई राम, जय माता दी।